तो ये कह सकते हो कि दिस इज बोनस फॉर यू। सीसीएनए के ऑलमोस्ट सभी टॉपिक हमने कवर किया है। यहाँ पे एक स्पेशल कुछ व्यूवर्स के अकॉर्डिंग ये वीडियोस मैं बनाने जा रहा हूँ, जिसके बारे में मुझे डिस्क्राइब करना है सीसीपी के बारे में। बट बिफोर डिस्कसिंग ऑन सीसीपी, व्हाट इज सीसीपी, हाउ डज इट वर्क एंड द कॉन्फ़िगरेशन एंड सो ऑन, लेट्स सी द बेसिक थिंग्स दैट वी नीड, दैट वी यूज टू अंडरस्टैंड हाउ डज योर सीसीपी इन दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर वर्क। सो कॉन्फिगर सिस्को डिवाइसेस बाय टू इंटरफेस टाइप। यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है टू इंटरफेस का, या तो आप ग्राफिकली किसी डिवाइस को कॉन्फिगर कर सकते हो, डिवाइस माइट बी स्विच, डिवाइस माइट बी राउटर, हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट सिस्को डिवाइस, और माइट बी वायरलेस राउटर, सॉरी, ओके एंड सो ऑन। सो एक आपके पास होता है कमांड लाइन इंटरफेस, जहाँ पे आप कुछ टेक्स्ट लाइन इंटरफेस भी कह सकते हो, जिसमें आप कुछ टेक्स्ट इंटर करते हो, जैसे नो शट, शट डाउन, अब तक जो हमने सीखा, जो सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से आई लाइक दैट। जैसे कि आपने टेलनेट लिया, एसएसएच के लिया, कंसोल के थ्रू लिया, एक्जुलरी के थ्रू लिया, एंड माइट बी सम अदर पाथ, सम अदर वे ऑल्सो। जबकि जीयूआई ग्राफिकली आप किसी डिवाइस को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, उसमें होस्ट नेम असाइन करना, उसके इंटरफेस को शट डाउन करना, इंटरफेस को अप करना, स्पीड डिफाइन करना, यूज़र बनाना एंड सो ऑन। सो हियर वी हैव टू काइंड ऑफ जीयूआई इंटरफेस, समथिंग कॉल्ड एसडीएम, सिक्योरिटी डिवाइस मैनेजर, एंड सीसीपी, स्टैंड फॉर सिस्को कॉन्फ़िगरेशन प्रोफेशनल। सो इन सीसीएनए 1.0, इन 1.1 एसडीएम वॉज नेसेसरी प्रीवियसली, बट सीसीएनए 2.0 की अगर हम बात करें तो नो नीड टू लर्न अबाउट एसडीएम, इवन सीसीपी। बट यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ सीसीपी का, जैसा कि हमने पहले बताया कि अपने व्यूवर्स के मांग पे ये वीडियोस मैं बना रहा हूँ सीसीपी। इनफैक्ट अगर आपकी कोई मांग हो तो उस पर आप कह सकते हो, पॉसिबल होगा तो हम वो वीडियो भी अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे सीसीपी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सिस्को कॉन्फिगरेशन प्रोफेशनल, राइट, जो हमारे डिवाइस को कॉन्फिगर करने में काफ़ी हेल्प करता है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया ये क्या चीज़ है हमारे डिवाइस को कॉन्फिगर करने के लिए। तो इसके पहले कुछ चीज़ें हमें और यहाँ पे डिस्कस कर लेनी होगी। सीसीपी इनेबल करने से पहले हमारे इस कंप्यूटर में, तो सीसीपी अगर आपने इस कंप्यूटर में इनेबल, सॉरी, इस कंप्यूटर से सीसीपी एक्सेस कर रहे हो सीसीपी के थ्रू, तो इस कंप्यूटर का, इस राउटर का, इस राउटर का, इस स्विच का, या जितने भी आपके पास सिस्को के डिवाइसेज हैं, सबका कंसोल आप एक डिवाइस पे लेके, बाय द वे अधिकतम 10 डिवाइस का आप कंसोल लेके एट अ टाइम उनको कॉन्फिगर या सेटिंग कर सकते हो, ग्राफिकली सेटिंग कर सकते हो, राइट। सो हमारे केस में हम वही करने जा रहे हैं। ओके, सो 10 डिवाइस का हम एट अ टाइम कंसोल ले सकते हैं, सॉरी, एक्सेस कर सकते हैं, कंसोल में नहीं कह सकता उसको, ग्राफिकली हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो टेक्निकली इसके पहले क्या रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जो रिक्वायरमेंट आपको होती है उसके लिए, वो सबसे पहले आपके सिस्टम में मेक श्योर आपका रैम 1 GB या इससे अबव हो, बेहतर होगा। सो GB, राइट, प्रोसेसर, बाय द वे ये सिस्को रिकमेंड करता है, अगर आप बात करो प्रोसेसर, CCC, प्रोसेसर 2 GB हो, GHz, सॉरी, GHz हो तो बेहतर होगा। डिपेंड करता है वर्जन पे, डिपेंड करता है कितने डिवाइस को एट अ टाइम आप कॉन्फिगर कर रहे हो। साथ ही साथ अब आपको यहाँ पे चाहिए फ्लैश प्लेयर, ओके, फ्लैश प्लेयर के साथ आपको चाहिए यहाँ पे जावा, अप टू डेटेड, सॉरी, जावा, और आपको चाहिए ऑब्वियसली सीसीपी, एंड मेक श्योर योर फायरवॉल सेटिंग, माइट भी आपका फायरवॉल उसको ब्लॉक कर दे। लेकिन टेक्निकली अगर हम देखें, जैसा कि यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, सिस्को डिवाइस, बट सिस्को डिवाइस नॉट नो, मीन्स डोंट नो अबाउट जीयूआई। आप विश्वास करो, आपके डिवाइस कोई ग्राफिकल सेटिंग को नहीं जानते। ग्राफिकल सेटिंग आप इस कंप्यूटर में करते हो, ये रियल में कुछ कमांड भेजता है डिवाइसेस को। हाँ, आपने यहाँ पे जो भी चलाया, जो भी ग्राफिकली इंटरफेस किया, अप किया, डाउन किया, आईपी डाली, व्हाटएवर व्हाटएवर यू डिड,
टोटली आपकी कमांड ही सभी डिवाइस पे रेफर किए जाते हैं, लेकिन हम सोचते हैं नहीं ग्राफिकली, बाय द वे उसके बारे में आगे चल के और डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास एक डिवाइस, एक कंप्यूटर से मैंने सॉरी कंप्यूटर को डेस्कटॉप पे हमने एक्सेस मैं कर रहा हूँ ये, और यहाँ पे हमने सीसीपी और जो इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए वो हमने डाल के रखा है। अब आप पूछोगे कि जो जिस लैपटॉप से आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो उससे आपने कंसोल सॉरी सीसीपी क्यों नहीं लिया, सीसीपी के थ्रू एक्सेस क्यों नहीं कर रहे हो डिवाइस को, तो मेरा आंसर है यू आर राइट। एक्चुअली विंडोज 8 में मैंने देखा सीसीपी कहीं कहीं प्रॉब्लम कर रहा है, इनफैक्ट काम ही नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम क्या मैं को काम ही नहीं कर रहा है, इस वजह से मैंने एक दूसरे मशीन को यूज़ किया है और रिकॉर्डिंग मैं अपने लैपटॉप से कर रहा हूँ, तो जो रिमोट डेस्कटॉप उस मशीन का लिया है उसमें एक चीज़ मैं आपको वेरीफाई कराना चाहता हूँ। सो आई कैन राइट डाउन विच डॉट सीपीएल, कौन कौन सा एप्लीकेशन हमने डाला है मेरे कंप्यूटर में। तो तीन चीज़ें आपको चाहिए चाहिए, एडा फ्लैश प्लेयर, सिस्को कॉन्फ़िगरेशन प्रोफेशनल इन जावा, दैट इज दीज आर थिंग मस्ट बी अवेलेबल टू योर डिवाइस। इन रिमेनिंग बाय द वे ऐसे ही डले हैं तो उनकी मैं बात नहीं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। और स्टेप सेटिंग हमारे तरफ से ओके है, ए टू जेड सब सही है। अब दूसरी चीज़ हम अपने डिवाइस में इनेबल करने जा रहे हैं ताकि हम डिवाइस का सीसीपी के थ्रू कंसोल ले पाए। ओके, तो डिवाइस की सेटिंग में हमें कुछ करना होगा, तो इसके पहले मैं देखो ये मैं अपने टर्मिनल सर्वर से कनेक्ट होता हूँ, क्यों ना मुझे इसे छोटा कर देना चाहिए। फॉन्ट साइज भी मुझे छोटा करना चाहिए, ग्लोबलाइजेशन फैंसी को सो एक्सक्यूज मी, फॉन्ट साइज मैं छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा क्योंकि काफी बड़ा दिख रहा है ये, 16:12 विल बी गुड। ओके यस, तो मैं ये डिवाइस पे इसी डिवाइस को मैं कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ। ग्रेट, सो आई एम द इंस्ट्रक्टर, माय पासवर्ड इज, मैं नहीं बताऊंगा आपको, मेरा पासवर्ड है सॉरी यस नो इंस्ट्रक्टर, ओके स्पेलिंग गलत थी, देयर वी गो, सो अगेन पासवर्ड एंड डन। अभी यहाँ पे हमने कोई सेटिंग नहीं किया है क्योंकि आपको, आई होप मुझे ये भी बताना चाहिए, अब आपको इस डिवाइस को कुछ सेटिंग करना होगा ताकि वो सीसीपी सॉफ्टवेयर जिस कंप्यूटर पर डाला है वो एक्सेस कर पाए। तो इस डिवाइस में भी, इनफैक्ट इस डिवाइस में भी जिस जिस में आपको ग्राफिकली कॉन्फ़िगरेशन करनी है उन सभी डिवाइस में आपको ये इनेबल करना होगा। ओके, सो लेट्स गो कॉन्फ़िगर टर्मिनल, उसके लिए क्या क्या कमांड चलेंगे मैं बता दूं इसके पहले कि मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा इस वजह से। तो ये चीजें आपको करनी होगी, एक यूजर बनाना होगा, उसको प्रिविलेज 15 देना होगा, प्रिविलेज स्पेशली ये बताता है कि आप अथॉरिटी कितना दे रहे हो, उस यूजर को पावर कितना दे रहे हो। VTY पे आपको लॉग इन लोकल, ओके स्पेलिंग गलत है, लॉग इन लोकल इनफैक्ट ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH, टेलनेट आप चाहे एक दे सकते हो आप चाहे दोनों दे सकते हो, जब आप टेलनेट देते हो तो यू नो वेल कि वो क्लियर टेक्स्ट में जाता है, आप SSH देते हो तो बेहतर होता है। दूसरी चीज, आप एक HTTP सर्वर बनाओगे उसको सिक्योर कर सकते हो, अगर आप सिर्फ HTTP सर्वर बनाओगे तो टेलनेट एक्सेस कर पाएगा, टेलनेट के थ्रू CCP चलेगा, अगर आप सिक्योर चलाते हो SSH के थ्रू भी चलेगा। आप ऑथेंटिकेशन लोकल, इतनी कमांड हमें एग्जीक्यूट करनी है हमें अपने डिवाइस पे। पहला काम मैं यहाँ पे यूजर बनाता हूँ, यूजर का नाम आदित्य, उसको प्रिविलेज दे देता हूँ 15 और उसका पासवर्ड दे देता हूँ आदित्य ताकि मैं भूलूँ नहीं। अगला चीज है IP HTTP सर्वर, सर्वर बन गया हमारा IP HTTP का, इसको सिक्योर करने के लिए हमें लिखते हैं IP HTTP सिक्योर सर्वर। ओके, सो ये देख लो एक डिजिटल सर्टिफिकेट बना रहा है RSA की,
और आईपी HTTP ऑथेंटिकेशन लोकल, तीन कमांड यहाँ पे चलाया, यूजर बनाया, HTTP इनेबल किया दैट इज सर्वर, उसके बाद उसको सिक्योर किया, सिक्योर करने के बाद उसमें हमने कहा कि आईपी HTTP ऑथेंटिकेशन लोकल, गुड। नेक्स्ट टास्क हमें क्या करना है, लाइन VTY 025, आप जितना इनेबल करना चाहते हो, बाय द वे इसमें मैं कितना इनेबल कर सकता हूँ, लगभग 1000 VTY इनेबल कर सकता हूँ, इतना हमें नीड नहीं है, 024 इज दैट्स इनफ फॉर मी। आपको बेसिकली पता होना चाहिए 024 मतलब 5 लोग एट अ टाइम इसको एक्सेस कर सकते हैं, 020 कर देता तो 10212 एंड सो ऑन। और ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH एज वेल एज टेलनेट दोनों को मैंने इनेबल कर दिया, और लॉग इन लोकल, और प्रिविलेज भी हमें आप असाइन कर सकते हैं, सो प्रिविलेज प्रिविलेज 15, प्रिविलेज लेवल लिखना होता है एक्चुअली, प्रिविलेज लेवल 15 है, स्पेशली हम सिक्योर कर रहे हैं इसको। सो आई थिंक हम लोगों ने कर दिया ट्रांसपोर्ट इनपुट, यस 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 यस, सो लेट्स सी। और एक चीज और ध्यान देना, क्योंकि भाई आप किसी भी डिवाइस से कनेक्ट हो तो डेफिनेटली यहाँ पे आईपी कुछ डलेगा, इनफैक्ट यहाँ पे कोई आईपी डलेगा, आईपी डलेगा, आईपी डलेगा, तभी तो आप उसको सीसीपी ले पाओगे। तो हमने यहाँ पे इसके इथरनेट पोर्ट पे आईपी डाल के रखी है ऑलरेडी हमने, जो है 192.168.2.254, सो लेट शेयर विद यू, कंट्रोल जी, सो इंटरफेस ब्रिफ SIB, नो शॉर्टकट मैंने नहीं रखा है, सो आईपी INTBRI इंटरफेस ब्रिफ, ये मेरी आईपी एड्रेस डली है। ओके, सो उसी समय कनेक्टेड हूँ, इनफैक्ट मैं अपने कंप्यूटर से पिंग करूँ तो आप देख सकते हो कि मैं उससे पिंग भी कर पा रहा हूँ, ये मैं अपने कंप्यूटर से कनेक्टेड हूँ, पैकेट इंटरनेट ग्रुपर 192.168.2.254, रिलीज, रिप्लाई भी मिल रही है, यस। सो बाय द वे हमें इस कंप्यूटर से एक्सेस करना है, तो क्या ये कंप्यूटर वहाँ पे पिंग कर पा रहा है, CMD पैकेट इंटरनेट ग्रुपर 192.168.2.254, ओह मिस्टेक, कंट्रोल सी 2.254, देयर इट इज, हो रहा है CLS क्लियर। दूसरी चीज मैं वेरीफाई और करता हूँ, क्या उसका मैं टेलनेट ले पा रहा हूँ यहाँ से, SSH ले पा रहा हूँ, तो टेलनेट से मैं देख लेता हूँ, TELNET, मेक श्योर आपके कंप्यूटर में टेलनेट इनेबल हो, 192.168.2.254, यस, यूजर नेम पूछने लगा दैट इज आदित्य, पासवर्ड इज ऑल्सो आदित्य, दैट इज, सो ये काम कर रहा है, इसका मतलब टेलनेट वगैरह इनेबल है, लेकिन हमको ग्राफिकली इनेबल करके देखना है, तो CCP डालने में कुछ स्पेशल नहीं करना है आपको, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश, मेक श्योर यू हैव फ्लैश प्लेयर, मेक श्योर यू हैव इंस्टॉल जावा एज वेल। सो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करता हूँ, यस, और ध्यान दो आपके हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन भी अच्छी होनी चाहिए, सो ओके, सो बाय डिफॉल्ट ये पूछ रहा है कि किस पे मैं ओपन करूँ, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे करूँ या मोजिला डाला है उस पे करूँ, सो देर इज लिटिल बिट प्रॉब्लम। लेट मी डू वंस अगेन, राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस, कम ऑन, दैट इज ओके, सो लोड हो रहा है आप देख सकते हो, जैसे ही लोड हो जाएगा बाय द वे ये पहले से नहीं रहता, मैंने ऑलरेडी मैंने उसका लिया था, सो मैं इसको हटा देता हूँ, सॉरी। आप चाहो तो एक कम्युनिटी कम्युनिटी बना सकते हो, कम्युनिटी का मतलब होता है, लेट मी डिलीट दिस कम्युनिटी, यस, आप चाहे कम्युनिटी बना सकते हो, उस कम्युनिटी से आप अपने डिवाइस को अपने अलग नाम से रख सकते हो, जैसे मैं लिखता हूँ माय माय न्यू कम्युनिटी, रीनेम माय कम्युनिटी फॉर सिस्को प्लेयर, राइट, गुड, आई एम,
CCSI certified, so I can. Cisco Player. किस डिवाइस का आप CCP पे कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो? That is 192.168.254. So user name क्या होगा जो करेगा? That is Aditya. What will be the password? That is Aditya also. आप कैसे कनेक्ट होना चाहते हो? Securely या non securely? मुझे दिखाने दो. जब मैं इस बॉक्स को चेक करता हूँ तो देखो, नहीं चेक करता हूँ तो HTTP/AT पे जा रहा है, बोले तो टेलनेट. लेकिन जैसे इसको मैं चेक करता हूँ तो HTTPS पे और SSH के थ्रू ले रहा है. बाय द वे, मैं सिक्योर लेना पसंद करूँगा. इसी तरह आपके पास और डिवाइस है तो उसको भी एक्सेस कर सकते हो आप. तो बाकी डिवाइस में सेम सेटिंग करनी होगी जैसा कि अभी हमने किया. मैं अभी के लिए बाय द वे ओके करता हूँ और देखता हूँ. जैसे ही आपने किया देखो डिवाइस आपकी हाईलाइट हो जाती है. जैसे ही हाईलाइट हो जाएगा तो देखिए आप कनेक्शन टाइप आपने सिक्योर किया, डिस्कवर किया नहीं. तो सबसे पहला काम होता है आप डिस्कवर बटन को हिट करो यानी प्रेस करो. और अगर ऐसा कोई मैसेज आपके पास अपीयर होता है तो प्लीज़ प्रेस यस बटन. और अब ये डिस्कवर करेगा. डिस्कवर करने में थोड़ा सा टाइम लगता है. इट मे बी टेक 3 or 2 मिनट. डन. इनफैक्ट इसने डिस्कवर कर लिया, डिस्कवर कर रहा है. इसने जान लिया उस होस्ट का नाम है टर्मिनल सर्वर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया. कनेक्शन टाइप सिक्योर है. इवन डिस्कवरिंग इज गोइंग ऑन. सो लेट मी पॉज वीडियो फॉर मिनट. आप टाइम देख सकते हो. तो मैं पॉज करता हूँ वीडियो. ओके, जैसा कि हमने कहा, देखो 20 मैंने वीडियो पॉज की थी 11:20 पे. 11:21 यानी 1 मिनट के अंदर इसने डिस्कवर कर लिया. सो डिस्कवर कर लिया वो डिवाइस को. ये पहला टास्क होता है मुझे. और विंडो को छोटा करना चाहिए ताकि सभी चीज़ें दिखे. यस आई शुड. यप, देयर वी गो. और आप डिस्कवरी डिटेल आप देखना चाहते हो क्या है कैसा है तो सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. डिस्कवरिंग डिवाइसेस ब्ला ब्ला ब्ला. इसका iOS वर्जन ये है, हार्डवेयर का प्लेटफॉर्म ये है. ओके, इनफैक्ट आप क्या देख सकते हो, राउटर का स्टेटस. सो ये राउटर हमारी 2800 सीरीज की है और इस मॉडल टाइप ये है. अवेलेबल और टोटल मेमोरी हमारे पास इतनी अवेलेबल और टोटल. टोटल फ्लैश कैपेसिटी 62 MB. और कौन सा फीचर है, आईपी बेस्ड आईओएस है हमारा. फायरवॉल, वीपीएन क्या क्या सपोर्ट करता है बाय द वे बेसिक. ओके ठीक है. अब यहाँ से हम कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं, मॉनिटर भी कर सकते हैं. तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, यहाँ पे आप देखिए जितने डिवाइस हैं आप इसमें से कोई सेलेक्ट कर सकते हो. बाय द वे अभी हमारे पास एक डिवाइस है. और फिर डिवाइस को सेलेक्ट करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन बटन पे आप क्लिक करो. कॉन्फ़िगरेशन किस में करना चाहते हो आप, इंटरफेस में, राउटर में, सिक्योरिटी में या अनफील्ड्स कम्युनिटी. बाय द वे मैं यहाँ पे इंटरफेस को लेता हूँ. इंटरफेस में अपने पास सो इंटरफेस यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं. जैसे कि देख रहे हैं हम इथरनेट, जो भी सेटिंग हमको करनी होगी. जैसा कि हमारा SDM करता था वैसे ही हमारा, बट SDM एट अ टाइम एक डिवाइस को एक्सेस कर पाता था, लेकिन CCP एट अ टाइम 10 डिवाइस को हम कॉन्फिगर कर सकते हैं. इनफैक्ट बेटर होता है मेरे हिसाब से. सो आप किसी भी इंटरफेस को अप करना चाहते हो, डाउन करना चाहते हो, चेंजेस करना चाहते हो. बाय द वे जैसे ये डाउन है, लेट मी सेलेक्ट. ओके, इनेबल बोले तो अप करना. इनेबल कर दिया. इसमें हम क्या कर सकते हैं, लॉजिकल इंटरफेस बनाना है तो बना सकते हैं. ओके, या उसमें चेंजेस करना है तो कर सकते हैं, जो भी करना है कर सकते हैं. और तो ये बाय द वे वन बाय वन आप होप करके इधर उधर करके देख सकते हो क्या है कैसा है यहाँ पे. इनफैक्ट आपको हेल्प भी बहुत अच्छा मिलता है कि आपको जो कुछ भी करना है, कैसे हम डिसेबल कर सकते हैं, कैसे इनेबल कर सकते हैं, इसके अंदर बिल्ट इन हेल्प है जो आपको बताएगा. तो सभी चीज़ें मैं यहाँ पे रेफर आपको नहीं कर रहा हूँ. इसी तरह राउटर पे आप जाके देखो तो राउटर पे राउटर ऑपरेशन क्या हो रहे हैं आप देख सकते हो कि हमारे डिवाइस में जो बैनर लगा है दिख रहा है सिक्योर. ओके, इसी तरह आप टाइम, डेट एंड टाइम आप चेंज कर सकते हो. NTP, SNMP, DHCP चल रहा है कि नहीं. राउटर एक्सेस, राउटर्स में यूज़र कितने हैं. यूज़र हमारे पास आदित्य, स्टूडेंट, स्ट्रक्चर, प्रिविलेज किसको क्या मिला है. जैसे कि आदित्य को देख रहे हैं 15. इसी तरह आप सभी चीज़ें कर सकते हो. बट एक चीज़ और मुझे बताना बाकी रह गया. ओके, तो मैंने कॉन्फ़िगरेशन बता दिया होम, दैट इज़ मॉनिटर. यस, किसको मॉनिटर करना चाहते हो, डिवाइस मेरी वही है जिसको मैं मॉनिटर करना चाहता हूँ. मॉनिटर बटन पे क्लिक करता हूँ. कम ऑन मॉनिटर.
क्या मॉनिटर करना चाहते हो? ओवरव्यू, ओके, आपकी सीपीयू का यूसेज कितना है, आपके मेमोरी का यूसेज कितना है, आपके पास अवेलेबल फ्लैश कितना है, इंटरफेस में कौन से पैकेट्स जा रहे हैं, कौन से पैकेट्स आ रहे हैं, उसकी क्या यूसेज हैं, आप ये देख सकते हो। इंटरफेस स्टेटस, बाय द वे, अभी ये किसी ऐसे नेटवर्क में नहीं लगा है जहाँ पे उसके पास पैकेट्स जा रहे हैं, अभी ये टेस्टिंग और एक लैब में लगा है जो कि इंस्टीट्यूट है। लॉगिंग और बाकी की चीज़ें भी हम यहाँ से देख सकते हैं। ये हुआ मॉनिटरिंग का, मॉनिटर का। और मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक दो डिवाइस को और ऐड करने जा रहा हूँ। तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और फिर डिवाइस को ऐड करके आपको दिखाता हूँ। ओके ओके, जब तक वीडियो मैंने पॉज किया था तब तक दो स्विच में सेम कॉन्फ़िगरेशन किया, जैसा कि हमने बताया। यूज़र बनाया, यूज़र का प्रिविलेज दिया, ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH, SSH, टेलनेट, लॉग इन लोकल, प्रिविलेज 15 एंड सो ऑन, सिक्योर सर्विसेज लाइक दिस लाइक दिस। ओके, सो दूसरे डिवाइस को भी मैं इसमें ऐड करता हूँ, 192.168.2.11। कौन लॉग इन होगा, दैट इज आदित्य, पासवर्ड दैट इज आदित्य ऑल्सो, सो सिक्योरली। दूसरा स्विच हमारा है 192.168.2.22, यस, और आदित्य से लॉग इन होना चाहता है, आदित्य सिक्योर एंड डन। एक बार आपने डिवाइस को ऐड किया तो मेक श्योर कि वो सभी डिवाइसेस डिस्कवर होनी चाहिए, तो इसको भी हमें डिस्कवर करना होगा। इनफैक्ट उसको भी हमें, दूसरे को भी हमें डिस्कवर करना होगा। तो फिर से डिस्कवर करने में हमें थोड़ी सी टाइम लगेगी, तो फिर से मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज करता हूँ। ओके, ऑल राइट, सो स्विच को भी डिस्कवर कर लिया है, बट डिस्कवर्ड विद एरर, नो प्रॉब्लम, ये होस्ट का नाम जान गया, दैट्स मीन अब किसी दूसरे को कॉन्फिगर करना है तो उसको आप सेलेक्ट करो इसी तरह जैसे कि हमने इस बार स्विच को सेलेक्ट किया। कॉन्फिगरेशन, तो स्विच में क्या क्या हमें करना है, स्विच का हमारा आ गया, दूसरे दूसरे स्विच का आपको कंसोल लेना है तो दूसरे स्विच का हमारे पास आ जाएगा। सो इसी तरह हम आप मॉनिटरिंग भी कर सकते हो कि क्या हो रहा है, कितने यूसेज हो रहे हैं, राइट। सो इस समय मेमोरी का यूसेज इतना है, सीपीयू का यूसेज कम है, कोई वीपीएन नहीं, बाय द वे आप स्विच को भी एक्सेस कर पा रहे हो, इनफैक्ट आप राउटर को भी इसी से एक्सेस कर पा सकते हो। तो दो चीज़ें यहाँ पे हमने करके देखी, आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं ब्रीफ में रिकॉल करना चाहता हूँ कि हमने क्या किया, और शायद मैं कुछ भूला नहीं, सभी चीज़ें मेंशन कर दिया। तो हमने जाना कि डिवाइस का कॉन्फ़िगरेशन हम दो प्रकार से कर सकते हैं, दो तरीके से, दो मोड है, कमांड लाइन और ग्राफिकल। कमांड लाइन हम टेलनेट SSH के थ्रू लेते हैं, ग्राफिकली हम SDM या CCP के लेते हैं। तो जो भी SDM या CCP अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हो रियल में, वो कमांड ही भेजता है, या टेलनेट के थ्रू भेजता है या SSH के थ्रू भेजता है। ओके, जैसा कि हमने कहा, तो ये जो जो भी सॉफ्टवेयर इसके अंदर आपके डला है, CCP, SDM, और इट माइट बी सम इवन मोर, सो दैट कन्वर्ट्स योर ग्राफिकल कॉन्फिग्रेशन टू टेक्स्ट मोड, मीन्स माइट बी टेलनेट और SSH, एंड देन आफ्टर फॉरवर्ड टू द डिवाइसेस। सो कीप इन माइंड योर डिवाइसेस, मीन्स योर कंप्यूटर मस्ट फुलफिल द रिक्वायरमेंट, प्रोसेसर, रैम, कुछ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट होती है जिसको चेक करना होता है, और थोड़ी सी हमको सेटिंग करनी होती है उस डिवाइस पे जिसका हमको CCP के थ्रू कॉन्फिग्रेशन करना है। सो यूज़र डिफाइन करो, यूज़र पे प्रिविलेज दो, यूज़र पे पासवर्ड दो या सीक्रेट दो, दे सकते हो VTY, लॉग इन, SSH, जो चीज़ें हमने कमांड में पढ़ी वही चीज़ें हमको, जो वीडियो में पहले ही पढ़ी वही चीज़ें हमको यहाँ पे कॉन्फिगर करना है। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, और ये स्पेशल वीडियो उस स्टूडेंट के लिए जिसने इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे कहा। इन मे बी इन केस ऑफ यू कि आपके पास भी कोई प्रॉब्लम हो या आपको कुछ स्पेशल वीडियोस चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लिख सकते हो, जिसको मैं जिस वीडियो को मैं बना सकता हूँ। सो आई होप दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव फॉर यू, थैंक्स फॉर